पानी में उतरने से नहीं डर रही भाई, और बाकी गाड़ियां इतना पीछा आ रही हो कि पानी से सीधा निकलते हैं। ऑल राइट भाई, काफी ज्यादा कर रहा है, बच गया भाई। गाड़ी फट सकती है यार नाइट्रो वगैरह यूज करने की, क्योंकि लेजेंडर है नाइट्रो के लिए बनी नहीं। ऊपर चढ़ा जाए, शिट कोई बात नहीं। ओके सीधा निकालू क्या? ओके निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल। ऑल राइट गाइस, यार कैसे हो आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस कमाल के वीडियो पे। एंड आज के वीडियो पे गाइस हम लोग इंडियन एसयूवी प्लस सेडान कार्स को लेकर के जाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार ड्रैग रेस में। मतलब जो ड्रैग रेस होगा ना वो विंडमिल से लेकर के तालाब, समुद्र, लेक, रिवर सब कुछ क्रॉस करने वाला है। तो आज की वीडियो में जो होने वाला है भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, पॉपकॉर्न पकड़ लो या फिर आपको जो पकड़ना है पकड़ लो, बट गाइस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक वाले बटन को दबा दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि गाइस आप हमारे डेड ट्रैक्स फैमिली के मेंबर बन सको। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, तो जरूर दबाना। एंड अगर आपकी कोई फेवरेट इंडियन कार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उस गाड़ी को ऐड कर सकूं। वैसे भी गाइस हम लोग यहां पे ऑलमोस्ट ऑल सारी की सारी आप लोगों की फेवरेट इंडियन एसयूवीज हैं, सेडान को ऐड करके रखे ताकि रेस में बहुत ज्यादा मजा आ सके। तो चलो गाइस यार ड्रैग रेस को चालू करते हैं, लेट्स गो। All right guys, यार, we are on the track with this brand new and beautiful Scorpio S11 भाई, ब्लैक कलर की, ब्लैक हॉर्स से नाम, ब्लैक हॉर्स के नाम से जानी जाती है इंडिया में बहुत ज्यादा। एंड बाकी इंडियन कारें भी है जो आगे निकल रही है, हम लोगों को भी आगे निकलना पड़ेगा। देखते हैं क्या हम लोग ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11 से ये रेस जीत पाते हैं कि नहीं, लेट्स गो। वैसे गाइस यार आज का ट्रैक काफी ज्यादा यूनिक एंड काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। एंड यार बहुत सारी गाड़ियां नीचे गिर गई भाई साहब। ओके इनोवा पलट गई, इनोवा भी गई। ऑल राइट भाई आराम से चलाओ यार, इतना क्या हड़बड़ी ब्रो। वैसे भी गाइस अभी यहाँ पे टोटल ओके, आराम से स्कॉर्पियो। ओके यार मेरे को लगा था मैं गया। ओके आराम से। ऑल राइट गाइस हम लोग को जाना किधर है? अच्छा इधर। ओके अच्छा यहाँ से मुड़ना है क्या? अच्छा नीचे कूदना है क्या? नहीं नीचे नहीं जाना है, हम लोग को आगे जाना है। ओके थार का पीछा करते हैं, क्योंकि यार थार वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोडिंग कार है। एंड स्कॉर्पियो ओके, यहाँ पे गाड़ियाँ उड़ रही है, होंडा सिविक भाई अलग ही लेवल का स्टंट परफॉर्म करते हुए। ओके एंड सबसे आगे कौन सी गाड़ी जा रही है? ओके वहाँ पे आप देख सकते हो लैंड क्रूजर मुझे दिख रही है, नहीं फॉर्च्यूनर आई गैस, हाँ फॉर्च्यूनर है। ओके चलो भगाते हैं। वैसे गाइस यार आज का जो ट्रैक है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, एंड हम लोग सारी गाड़ियों को ऑलमोस्ट ऑल ट्राई करेंगे जो आप लोग की फेवरेट है। तो चलो यार निकलते हैं यहाँ से। ओके ड्रिफ्ट भाई, स्कॉर्पियो ड्रिफ्ट एक नंबर करती है यार, कुछ भी बोलो। आपको स्कॉर्पियो में क्या बात सबसे अच्छी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वहाँ पे देख सकते हो स्कॉर्पियो एंड पलट गई भैया, एंड स्कॉर्पियो S11 भी पलट चुकी है भाई। यार हमारी वाली थोड़ी सी पुरानी है यार, मतलब एस सीरीज की लेटेस्ट है, बट स्कॉर्पियो एंड जो है वो टॉप मॉडल है, अभी अभी लॉन्च हुई है आप लोगों को पता है। तो यार वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोडिंग गाड़ी है, बट यहाँ पे लैंड क्रूजर को देख रहे हो भाई, लैंड क्रूजर का तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है यार। ओके सीधा हो जा, चलो भाई वहाँ पे लोग गाड़ी आड़ी कुदा दे रहे हैं आराम से। चलो भगाते हैं फुल स्पीड, काफ़ी प्यारा स्पीड। ओके लेट्स गो, लेकिन हम लोग को ओवरटेक करना होगा, फॉर्चुनर ओवरटेक हो चुकी है सामने आई गेस, लैंड क्रूजर एंड बिना गेट के भाई, गेट ही नहीं है एक तरफ यार। ढकेल दूँ क्या, क्या बोलते हो? इसको ढकेल लेते हैं, हट जा हट जा एक बार फिर हट जा। गई 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 भाई, मैं गए उसके चक्कर में, वो तो ट्रैक पे चले गए। गाइस आप लोगों को पता है जो लैंड क्रूजर होती है वो बहुत ही हैवी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत गाड़ी होती है, इवन दो स्कॉर्पियो से भी ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है टोयोटा की वन ऑफ द फेमस कार है यार लैंड क्रूजर, एंड मेरी पर्सनल फेवरेट है यार, मुझे लैंड क्रूजर बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन दो आज ड्राइव भी करेंगे ओके, एंड हमारी स्कॉर्पियो में एक भी कांच बचा नहीं है गाइस, पूरी की पूरी ग्लासेस मैंने तोड़ दिए गाड़ी की, बट खैर भगाते हैं। वैसे गाइस यार ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है लैंड क्रूजर, आगे एक और गाड़ी है भाई रेड कलर की, आई गेस बलेनो है क्या? हाँ गाइस बलेनो है भाई, काफ़ी प्यारा। ओके नीचे उतरना है क्या? नहीं मेरे ख्याल से नीचे तो नहीं उतरना, ऊपर ही जाना है। ओके वो लोग तो नीचे गए। ओके बहुत सारी गाड़ियाँ ड्रिफ्ट नहीं कर पा रही है, बट गाइस यार हम लोग आगे जा रहे हैं। ओके चलो भगाते हैं यहाँ से। ओके बलेनो लेकिन भैया कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग भगा रही है यार, जितना गाड़ी में दम नहीं है उससे ज़्यादा स्पीड भगा रही है। ओके बलेनो गई, जिसका डर था वही हुआ भाई, यही होता है। ओके ये लोग भी गए, ये भी गया, लेकिन गाइस अच्छा नीचे जाना है क्या? नीचे जाना है कि ऊपर जाना है भाई? अच्छा ऊपर ही जाना है। ओके उन लोग गलत जा रहे थे। चलो 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 गाइस सबसे आगे कौन सी गाड़ी लीड कर रही है मेरे को देखना है। ओके एक्सयूवी 700 को भी ट्राई करेंगे आखिरी में। ओके फिलहाल भगाते हैं यार, थार को ओवरटेक कर दिया हम लोगों ने, काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस। ओके ब्रेक, हैंड ब्रेक का यूज़ करना पड़ रहा है गाइस, बताओ यार ड्रिफ्ट हो रही है गाड़ी। चलो यहाँ से पानी में उतरना है गाइस, मैंने कहा था यार रिवर, लेक, तालाब, नदी सब में जाने वाले हम लोग। एंड यहाँ पे लेक भी चालू हो चुकी है, बट ये बीच में बहुत गड्ढा है बोल के मैं साइड से लाया हूँ। ओके
ओके कार जंप कर रही है या कार टू कार, ओके सबसे आगे बलेनो चल रही है, काफ़ी प्यारा परफॉर्म कर रही है। लैंड क्रूजर ने मुझे ओवरटेक कर दिया, मेरी गाड़ी में कुछ तो दिक्कत है गाइस, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। ओके रुको मेरे को थोड़ा पीछे आने दो, ट्रैक पे आने दो नीचे तरफ। ओके फॉर्चूनर आ रही है, लेट्स गो भाई, भगाता है फॉर्चूनर हम लोग को, ओवरटेक काफ़ी ईजिली कर सकती है यार, और कर भी रही है भाई। फॉर्चूनर बहुत महंगी गाड़ी है गाइस, 60 लाख की आती है, एंड इसकी जगह आप यार मैं, मेरे पास 60 लाख रहते तो मैं 3 थार लेकर के अपने शहर में घूमता भाई आराम से। ओके चलो फॉर्चूनर पलट गई, पीछे रह गई, हम लोग आगे निकलते हैं। ओके ये वाला टनल ये भी पार। ओके काफ़ी प्यारा गाइस, हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं। नहीं 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 फॉर्चूनर भाई ये चीटिंग यार, लगता है मैंने ज़्यादा ही गलत तारीफ कर दी, लगता है सुन लिया। ओके चलो भगाते हैं, वैसे हम लोग सबसे आगे हैं गाइस, हम लोग को यहाँ से ऊपर जाना है। ओके चढ़ जाए स्कॉर्पियो, थैंक्स फॉर द हेल्प भाई, लैंड क्रूजर ने धक्का मारा तब जाके चढ़ा हूँ भाई मैं, उन लोग आप आ रहे कि नहीं, चलो मैं लैंड क्रूजर की हेल्प कर देता हूँ यार। ओके लैंड क्रूजर की हेल्प कर देते हैं, रस्सी लगाया मैंने एंड लैंड क्रूजर तो खुद ही चढ़ गए भाई। चलो चलो थार लोग भी आ चुके हैं, चलो भगाते हैं गाइस यार, हेल्प करना बहुत ज़रूरी है भाई। लैंड क्रूजर ने मेरी हेल्प की, मैं उसका हेल्प किया, यहाँ पे हेल्प हेल्प करोगे तो यार वो हो जाता ना कि लाइक मैं जब मुसीबत में हूँ तो वो मेरी हेल्प करेगा और वो जब मुसीबत में मैं उसकी हेल्प करूँगा। ओके चलो रेस आई गैस खत्म होने वाली है, लैंड क्रूजर को ओवरटेक करना है मुझे बस, एंड मैं फिर फर्स्ट हो जाऊँगा, जो कि गाइस यार देख के नहीं लगता हो पाएगा। ओके ऑलराइट गाइस बहुत दूर जा रहे हैं अभी भी, थोड़ा सा आगे जाना ही है कह लो यार। ओके एंड यहाँ पे रेस खत्म हो चुकी है, तुम्हारा भाई फर्स्ट आ चुका है स्कॉर्पियो S11 के साथ, सेकंड पोजीशन में लैंड क्रूजर जस्ट एक सेकंड पहले, एंड फिर यहाँ पे थार आ चुकी है भैया, और अगली गाड़ी देखते हैं कौन सी है। और यहाँ पे गाइस वरना आ चुकी है, वरना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है यार, एंड फॉर्चूनर पलट चुकी है भाई, कि पता क्या दिक्कत है फॉर्चूनर को, एंड बाकी गाड़ियों को देखते हैं तो उन लोगों का क्या हाल है। ओके ऑलराइट देख सकते हो सेडान जा रही है, i20 जा रही है, और एक यहाँ पे स्कॉर्पियो, एंड भैया इस बार पीछे रह गई थोड़ी सी। एंड गाइस यार अब चलते हैं अगली ड्रैग रेस पे, बट इस बार हम ट्राई करने वाले हैं महिंद्रा थार को, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है गाइस इंडिया की वन ऑफ द फेमस कार महिंद्रा थार भाई, यहाँ पे इतना पेड़ है मैं देख भी नहीं पा रहा। ओके ये आप देख सकते हो भाई क्या लग रही है यार। ओके चलो मैं इसको मोड़ लेता हूँ, यहाँ से रेस चालू हो चुकी है, सारी गाड़ियाँ रेडी है, रेड सेट गेट सेट गो पो, चलो भाई भगाओ। ओके यहाँ पे गाड़ियाँ पलट गई है, कुछ कुछ रुक गई है, सेडान्स गाइस अपना भारी दिमाग लगाती है यार, स्टार्टिंग में रुक जाएगी ताकि गाइस यार जितनी भी SUVs है उन लोग आगे निकल जाए, एंड यार उन लोग को ज़्यादा एडवांटेज हो जाए पीछे से स्पीड कवर अप करने का। सेडान स्पीड अच्छी पकड़ती है भाई, लेकिन हमारी SUVs ऑफ रोडिंग एक नंबर करती है। ओके आराम से, ओके गई गई मेरी गाड़ी, गई 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 नहीं सीधा सीधा सीधा। ओके कांच टूट चुके हैं गाइस मेरे थार के, बट कोई गल नहीं, चलो भगाते हैं, सही जा रहे हैं। ओके यार बहुत ही ज़्यादा जंगल है यार, ऊपर जाना है, i20 फंसी हुई है। ओके हेल्प कर, i20 बोल रहा है, इनोवा क्रिस्टा पलट चुकी है, बट खैर ऊपर चलते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ अटक रही है, फॉर्चूनर चढ़ चुकी है। ओके इनोवा को किसी ने धक्का दिया है लगता है, अच्छा स्कॉर्पियो ने धक्का दिया है, ओ स्कॉर्पियो ने धकेल करके इनोवा को रोड पे लाया है भाई बताओ। चलो हम लोग नीचे चलते हैं आराम से इनोवा, चलो गाइस इधर भगाते हैं यहाँ पे। ओके काफ़ी प्यारा यार थार का परफॉर्मेंस, बट यार कांच वगैरह पूरे टूट चुके हैं इसलिए बहुत अजीब लग रहा है गाइस यार, पीछे कांच नहीं है यार बताओ यार, गाड़ी में एक तरफ है, ओके एक साइड्स में है ग्लासेस देख सकते हो, लेकिन दूसरे साइड्स में पूरे टूट चुके हैं यार। कोई गल नहीं जीतेंगे फिर भी यार, कांच से क्या ही फ़र्क पड़ता है, बस पानी में दिक्कत हो सकती है, पानी गाड़ी के अंदर पूरा घुस सकता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट गाइस टू ओवरटेक दैट रिवर। ओके चलो वैसे भी हम लोग थर्ड पोजीशन पे हैं, रिवर आ चुका है। ओके सीधा पार करूंगा भैया मैं रिवर को तो सोच के रखा हूं सीधा। ओके उम्मीद करता हूँ भाई स्कॉर्पियो मतलब थार बंद ना हो जाए। ओके पार हो गई भाई, उतना ज़्यादा भी गहरा नहीं है यार जितना मैंने सोचा था भाई, काफ़ी इजीली पार हो गया। ओके चलो निकलते हैं भाई भाई फॉर्चूनर नहीं लैंड क्रूजर, आराम से यार हड़बड़ी नहीं ब्रो, चलो XUV 700 और लैंड क्रूजर यहाँ पे अटकी हुई है, चलो चलो भाई जाने के लिए जगह दो यार, चलो मैं यहाँ से चढ़ के जाता हूँ भाई, थार है एडवांटेज तो लिया जाए। ओके चलो गाइस यार एक बार में चढ़ गई थार, काफ़ी प्यारा ड्रिफ्ट की कोशिश, बट थोड़ा बहुत हम लोग नाकाम रहे, एंड भैया हमारी थार फर्स्ट हो चुकी है यार, एंड थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल मेरी वजह से। ओके एक तरफ का भी कांच जो बचा था गाइज वो भी टूट चुका है यार, बट खैर XUV 700 आगे आ चुकी है, लैंड क्रूजर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यार, क्योंकि लैंड क्रूजर मेरी फेवरेट है। ओके चलो भाई लैंड क्रूजर में फील आता है यार देख करके, बताए यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करना है, बट यार ये हो जाएगा, हम लोग लैंड क्रूजर से ज़्यादा अच्छा ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि गाइज थार जो है ना बेस्ट है ऑफ रोडिंग के लिए। ओके यहाँ से मिलना है, काफ़ी प्यारा, लेट्स गो लेट्स गो, हम लोग सेकंड पोजीशन में, XUV को बस पार करना है फिर हम लोग फर्स्ट हो जाएंगे यार। वैसे भी सेडान्स गाइस टॉप 3 में कम से कम अभी तक आए नहीं है यार, सेडान को इसके बाद ट्राई करेंगे ठीक है,
एंड हम लोग को पूरा स्ट्रेट जाना है। एंड थार की स्पीड देखो, बट हम लोग पेट्रोल पंप में ठुकने वाले हैं। ओके बज गया भाई, वहाँ पे पेट्रोल पंप था गाइस, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर गाड़ी ठुकती ना, जो धमाका होता ना भाई, ख़त्म था मैं। थार तो ब्लास्ट हो जाती भाई कसम से, बट खैर जो भी है। शिट, बी से निकलेगा क्या? निकल जा, नहीं निकलेगा। चलो कोई बात नहीं, भागाते हैं यार। फर्स्ट पोजीशन पे एक्सयूवी, सेकंड पे लैंड क्रूशर आई गेस। थोड़ा सा पीछे हो गया हम लोग यार मस्ती के चक्कर में, बट जो भी है गाइस यार ओवरटेक करेंगे। गाड़ी की स्पीड देखो 200 के ऊपर जा रही है, एंड क्या साइंस से भाग रही है भाई थार। यहीं कहीं से चढ़ना है शायद क्या? ओके ओवरटेक किया जाए, एंड यहाँ पे ओवरटेक हो गया एंड हो चुका है गाइस। काफ़ी प्यारा थार का परफॉर्मेंस यार। ओके चाहे तो इन लोग भी भगा सकते हैं, लेकिन यार उतना स्पीड दे नहीं रहे, पता क्यों डर रहे लगता है। ओके पत्थर से मैं टकरा गया, एंड मेरी गाड़ी को डैमेज भाई, 4x4 वाला जो स्टिकर लगा हुआ है ना, वो डैमेज हो गया यार। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। ज़्यादातर देखोगे ना गाइस, यही दो गाड़ियाँ, मतलब ये तीन गाड़ियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है यार, लैंड क्रूशर, एक्सयूवी और थार। भाई पिछले राउंड में भी ऐसा ही कुछ था, मतलब यार इन लोग ही आगे चल रहे थे, बाकी गाड़ियाँ बहुत पीछे चल रही थी। बट गाइस पीछे और भी गाड़ियाँ हैं, वो देखो स्कॉर्पियो एंड मुझे दिख रही है, और ये नेक्सॉन है क्या? ओके हाँ टाटा नेक्सॉन है, और स्कॉर्पियो एंड भाई महिंद्रा की बीस्ट भाई, अभी टॉप मॉडल है यार, अभी लॉन्च हुई है। ओके चलो कुदाया जाए। ओके काफ़ी पावरफुल जंप, लेकिन गाड़ी गई भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा डैमेज। कोई बात नहीं गाइस यार, होते रहता है यार। वैसे हम लोग को रेस में जीतने पे ध्यान देना चाहिए, अभी भी बहुत ऊपर जा रहा है, एंड सबसे आगे लैंड क्रूजर चल रही है, एक्सयूवी को पीछे कर दिया है उसने। ओके चलो मैं चढ़ चुका हूँ ऊपर, और ऊपर जा रहा है क्या? ओके चलो भाई चढ़ चुके हैं, यहाँ से मुड़ना है और भगाना है भाई, कि बहुत ज़्यादा मोड़ है यार यहाँ विंड मिल के एरिया में ना, बहुत ज़्यादा मोड़ है, तो डर लगता है कि ना गाड़ी टकरा ना जाए भाई विंड मिल से, क्या पता विंड मिल ही टूट जाए, कुछ भी हो सकता है यार, रिस्क बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ओके वो देख सकते हो लैंड क्रूशर, ओवरटेक किया जाए। ओके थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है गाइस यार मेरी गाड़ी को, टायर वगैरह में कुछ तो दिक्कत है, मोड़ने ओढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। बट गाइस यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे पहुँचती हुई लैंड क्रूशर, एंड सेकंड पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे थार के साथ पहुँच चुके हैं। चाहे तो मैं रेस को आराम से जीत सकता था, बट कोई बात नहीं गाइस यार। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे एक्सयूवी 700 आ चुकी है, एंड फोर्थ पोजीशन पे आई गेस यार स्कॉर्पियो एन होगी या नेक्सॉन होगी पक्का। ओके स्कॉर्पियो एन जैसे कि मैंने कहा था, एंड बलेनो आ चुकी है भैया, और नेक्सॉन भी आ चुकी है, फॉर्चूनर हमर आ चुकी है, एंड और गाड़ियाँ दिख नहीं रही। ओके वो देख सकते हो यार लेजेंडर है भाई, मैंने रेड एंड ब्लैक में कॉम्बिनेशन दिया है लेजेंडर को आज, बट खैर मज़ा आ गया भाई। अगली गाड़ी एक सेडान ट्राई करते हैं, चलो नहीं लेजेंडर का ट्राई करते हैं, ठीक है लेट्स गो। ऑल राइट गाइज वी आर बैक विद दिस ब्यूटीफुल फॉर्चूनर लेजेंडर, जिसे मैंने रेड कलर का पेंट करवा दिया, नहीं पता क्यों बट यार काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैंने सोचा थोड़ा अलग कलर किया जाए, क्योंकि यार पहले वाइट कलर हर कोई रखता है वाइट कलर का लेजेंडर, तो मैंने सोचा यार रेड कलर दे दिया जाए कैसी लगेगी। एंड इवन दो इसमें नाइट्रो भी है गाइस, पता है मैं नाइट्रो यूज़ करूँ क्या? ओके देख रहे हो, बट गाइज नहीं यार गाड़ी से धुआं निकल रहा है, बज गया भाई, गाड़ी फट सकती है यार नाइट्रो वगैरह यूज़ करने की, क्योंकि लेजेंडर है नाइट्रो के लिए बनी नहीं है भाई, एंड आप नाइट्रो ज़बरदस्ती लगाओगे तो धुआं वगैरह तो ऑब्वियसली निकलेगा, गाड़ी कभी भी फट सकती है, इसलिए मैंने खाली लगा के रखा है, लाइक कभी इमरजेंसी पड़े जैसे कि यहाँ पे, तो गाड़ी को भगा दूँ। एंड गाइस यार ठीक है इस बार धुआं हुआ नहीं निकला भाई, चलो खैर भगाते हैं। ओके ऑलराइट गाइस हम लोग अच्छा खासा मतलब सही चल रहे हैं, आगे सबसे आगे लैंड क्रूशर दिख रही है, एंड ट्रेन आ रही है भैया। ओके ठीक है ट्रेन पार हो गई भाई, वो तो अलग टाइप की ट्रेन थी यार, वो तो केबल ट्रेन थी भाई, यहाँ केबल ट्रेन भी चलती है क्या गाइस? ओके खैर जो भी है लगता है कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चल रहा होगा। ओके एक और ट्रेन, क्या बात है गाइस, लगता है यार आज शहर से कोई ट्रेन वगैरह आ रहा है, मतलब कुछ हो रहा होगा लॉस्ट एंड फाउंड में, हम लोग को क्या करना है, हम लोग दूसरे शहर में अभी फिलहाल। ओके वो मेरे नीचे से इनोवा निकल रही है बताओ, चलो गाइस यार भगाते हैं, वैसे भी हम लोग अभी अच्छा खासा पीछे चल रहे हैं, आगे सबसे आगे अभी तक लैंड क्रूजर ही है मेरे ख्याल से यार। ओके बैलेंस बिगड़ा बट यार लेजेंडर संभाल लेगी। ओके चलो 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 यहाँ से चढ़ाया जाए। ओके थार के ऊपर से निकला मैं भाई साहब, काफ़ी प्यारा स्टंट, चलो निकालते हैं यहाँ से यार, गाड़ी सीधी हो जा लेजेंडर, सीधी हो गई भाई ठोको मत यार। ओके इनोवा निकल रही है भाई, मेरी गाड़ी को डेंट वेंट नहीं लगा यार, मॉडिफाइड है आप लोग समझ सकते हो, बॉडी वगैरह भी मैंने चेंज करवाया जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। एंड नाइट्रो दिखाओगे आपको, और स्पीड देखो गाइस यार, आप साउंड इफेक्ट से ही पता चल जाता है। ओके गाड़ी की स्पीड देखो गाइस, 300 की स्पीड गई है भाई लेजेंडर की यार। ओके एंड स्पीड कम भी नहीं हो रही भाई, मेरे को ब्रेक का यूज़ करना पड़ेगा। ओके हो रही है ब्रेक,
गया भैया गाड़ी। ओके ब्रेक लग जा, हैंड ब्रेक। चलो गाड़ी रुक चुकी है, अब भगाते हैं। ओके ओ थार इजी ब्रो। चलो वैसे भी अभी ऑफ रोडिंग जाना है यार थोड़ा सा। ओके वैसे लेजेंडर ऑफ रोडिंग में अच्छा खासा परफॉर्म कर ही देती है, लाइक दिक्कत नहीं होती है भाई। और क्या चाहिए यार, इतनी महंगी गाड़ी अगर आप कोई गाड़ी पे 60-70 लाख या 1 करोड़ खर्च कर रहे हो एंड ऑफ रोडिंग करने को ना मिले तो क्या दिक्कत भाई। मेरी वजह से थार घुस गई भाई नीचे। चलो स्कॉर्पियो नहीं भाई, मेरे ऊपर से चढ़े जाओ भाई। नाइट्रो यूज़ करें क्या गाइस? ओके चढ़ जा, चढ़ गई भाई। नाइट्रो यूज़ करके चढ़ा रहा हूँ भाई मैं, चीटिंग नेक्स्ट लेवल चीटिंग। बट खैर गाड़ी चढ़ गई, काफ़ी प्यारा। चलो भगाते हैं। हाँ यहाँ पे हम लोग को पानी में जाना है शायद। वो देखो स्कॉर्पियन फिर उछल रही है यार। ओके ओके आराम से नाइट्रो यूज़ करूँ क्या यहाँ पे गाइस? पूरा गूंजेगा यार यहाँ पे आवाज़। बट कोई बात नहीं, लकड़ी का है भाई, टूट भी सकता है उतना स्पीड में अगर मैं भगाऊंगा तो। ओके मेरे आगे एक ही गाड़ी है, वो भी गाइस एक सेडान है, सियाज है गाइस, वो सीधा सुजुकी सियाज 2016 मॉडल यार। ओके चलो लेजेंडर भी डूबती नहीं है तो मैं इसको पानी में ले जा सकता हूँ। ओके काफ़ी प्यारा लेजेंडर का परफॉर्मेंस। ऑल राइट सियाज पीछे पीछे हो गए, मतलब यार ऑफ रोडिंग के लिए कहाँ बनी है भाई सियाज, हमारी लेजेंडर बनी है ऑफ रोडिंग के लिए भाई। ये भी वैसे पर्टिकुलरली देखा जाए तो एकदम ही ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है, मतलब इसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, ऐसा रूल रहता है लेजेंडर का। बट हम लोग की वीडियो में गाइस लेजेंडर को ऑफ रोडिंग नहीं करवाया तो क्या करवाया। ओके चलो गाइस सियाज आ रही है एंड पीछे लैंड क्रूजर भी आ रही है आई गेस, भगाया जाए। ओके 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 आराम से, अभी ऊपर जा रहे हैं गाइस हम लोग को यार। यहाँ पे जो ब्रिज बन रहा है ये लकड़ी का है, इसलिए मैं यहाँ नीचे से नहीं ले जा रहा हूँ, वरना कोई ठोक वोक देगा ना तो पूरा ये ब्रिज गिर जाएगा यार। देख सकते हो पूरा लकड़ी का बनाया गया है भाई, कुछ भी हो सकता है बोल के मैंने मतलब ऊपर से लाने का फैसला किया है भाई। ब्रिज गिर गया तो भाई काफ़ी तगड़ा नुकसान हो जाएगा हम लोग को। बट चलो लैंड क्रूशर की हेल्प की जाए, रस्सी लगा दिया है मैंने, आ जा लैंड क्रूशर। ओके आ गई, इतना काफ़ी है गाइस। लैंड क्रूशर सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि गाइस यार पहले राउंड पे स्कॉर्पियो की मदद की थी लैंड क्रूशर ने, तो गाइस मैंने अभी लैंड क्रूशर की मदद कर दी है। ओके चलो भगाते हैं। ओके शिट गई गाड़ी, कोई बात नहीं, चलता है भगाते हैं। चलो काफ़ी प्यारा स्पीड तो मिल रहा है, वैसे गाड़ी थोड़ी सी मिसबैलेंस हो रही है आई गेस यार, सस्पेंशन वगैरह में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है, बट स्टिल गाड़ी अच्छा खासा बैलेंस बना रही है भाई। थार तो ऐसे समय में थोड़ा ऊंचा ऊंचा कर रही थी, बट लेजेंडर काफ़ी अच्छा कर रही है। ओके हम लोग फर्स्ट आ चुके हैं गाइज एंड सेकेंड पोजिशन पर भाई, मेरे को दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, लेजेंडर का इतना अच्छा परफॉर्मेंस है क्या? वैसे भी गाइज हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाइट्रो का यूज़ किया है तो गाइज यार हो सकता है हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हों। बट खैर ऊपर से जाके देखते हैं ठीक है कौन कौन है। और राइट सेकेंड पोजीशन पे थार आते हुए एंड बाकी गाड़ियाँ। ओके वो एक गई। ओके स्कॉर्पियो S11 और अभी लैंड क्रूजर दी भाई। ओके यहाँ पे नेक्सॉन जा रही है, बट खैर जो भी है गाइस मज़ा आ गया ये वाले ड्रैग रेस पे, चलते हैं अगली ड्रैग रेस पे। इस बार हम लोग ट्राई करेंगे कोई और गाड़ी। ऑल राइट गाइज यार अब बारी आ जाती है लैंड क्रूजर की। ओके गाड़ी क्या हैवी लग रही है, इसका गाड़ी का ना सस्पेंशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ठीक है। ये देखो भाई बहुत तगड़ा सस्पेंशन है यार। ये सस्पेंशन का यूज़ करके हम लोग चाहे तो ये ड्रैग रेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके रेस जीत सकते हो। कि इन लोग क्यों पलट रहे हैं इतना? हट जाओ। ओके चलो काफ़ी प्यारा गाइस। ओके हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट गाड़ी उतना स्पीड और रेस नहीं पकड़ रही यार। ओके ऊपर चढ़ा जाए, शिट कोई बात नहीं, हमार ने ढकेल दिया मुझे। लैंड क्रूजर में कीचड़ लग गया यार, इधर तरफ, इधर भी लगाई क्या नहीं, इधर एक टायर तरफ लगाया, बाकी गाइस यार गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू है, स्क्रैच तक नहीं लगे भाई गाड़ी में। ओके चलो इन लोग दो टो कटके होंडा सिविक और टाटा नेक्सॉन भाई, चलो भगाते हैं। XUV700 सबसे आ गया बट कोई मतलब नहीं, लैंड क्रूजर से हम लोग काफ़ी ईजिली ये रेस को जीत सकते हैं। ओके चलो हट जा, थोड़ा सा आगे और गाड़ी परफॉर्म अच्छा करती है यार। लैंड क्रूजर ना ऑफ रोडिंग की किंग है भाई, टोयोटा में सबसे बेस्ट गाड़ी ऑफ रोडिंग के बोलोगे ना लेजेंडर के अलावा लैंड क्रूजर भाई, लैंड क्रूजर इज़ द बेस्ट। बहुत कम लोगों को लैंड क्रूजर के बारे में पता रहता है, मतलब ज़्यादातर फैंस लेजेंडर वगैरह रहते हैं, बट लैंड क्रूजर का एक अलग ही पहचान है भाई। और XUV भी आ रही है शायद, वो देखो XUV आ रही है, हेल्प कर दे क्या रस्सी लगा के? ओके रस्सी लग चुकी है, आ जा।
ओके देख रहे हो भैया, उछाल दे रहा हूँ मैं उसको। चलो कोई बात नहीं, आजा आजा। एक्सयूवी किधर गई? रुको चलो मैं निकालता हूँ इसको। एक्सयूवी चल आजा। ओके निकल गई, निकल गई थोड़ा सा ऊपर। वो भाई कुछ ज़्यादा ही स्पीड में खींच दिया लगता है, बट कोई बात नहीं गाइस। उधर और गाड़ी आ रही है, स्कॉर्पियो एंड हमर और थार दिख रही है मुझे, बट जो भी है भगाया जाए गाड़ी को, क्योंकि हम लोग को जीतना है गाइस। तो आगे तो डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। एंड लैंड क्रूजर के लिए रेस जीतना कोई बड़ी बात नहीं है यार, बिना नाइट्रो के गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ती है भाई। वैसे यहाँ पे ज़्यादा स्पीड नहीं दे रही ऑफ रोडिंग में, 140 दे रही है, ये भी ठीक है। चलो यहाँ से भगाते हैं, थोड़ा स्पीड और बूस्टर और लेट्स गो। यहाँ पे तो पूरा स्ट्रेट रोड है यार, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है भाई लैंड क्रूजर। ओपी इन द चैट, कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो यार। एंड गाइज मैं एक चीज़ और सोच रहा था, बहुत दिनों से मैं लाइव नहीं आया हूँ, क्या बोलते हो गाइज? आज शाम को लाइव आऊँ क्या, या आज संडे है वैसे भी, तो सोच रहा हूँ आज लाइव आने का या कल लाइव आने का। मंडे को तो वैसे आप लोग का स्कूल वगैरह रहता है, तो मैं सोचा संडे बेस्ट टाइम रहता है लाइव करने का, बट खैर देखते हैं शाम तक। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे मैं लाइव आऊँ कि नहीं, वो कौन था भाई चढ़ गई जिसके ऊपर गाड़ी मेरी, बट खैर अगर आप बोलोगे लाइव आने के लिए तो मैं डेफिनेटली आज शाम को लाइव आ जाऊँगा। ओके चलो भगाते हैं, वैसे भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा आगे चल रहे हैं, स्पीड ही गाड़ी की इतनी है यार। ओके देख लो पलटती ही नहीं है भाई, इतना तगड़ा सस्पेंशन भाई कौन सी गाड़ी में होगा यार, मतलब गाड़ी उछलती है पलटने वाला बात ही नहीं है भाई। यहाँ पे देखना, ओके ये देखो भाई क्या हैवी जंप था, परफेक्ट लैंडिंग। ओके पेड़ नहीं रहता तो परफेक्ट लैंडिंग था, कोई बात नहीं चलो निकलते हैं। ओके ओके एक ट्रेन, कोई बात नहीं। ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो ग्लिच है, बट जो भी है चलो चढ़ते हैं ऊपर। थोड़ा सा आगे और जाना है फिर हम लोग कर लेंगे रेस को कंप्लीट। ओके ऑलराइट गाइस, अच्छा इधर से चढ़ रहा था क्या? ओके ओके हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं अभी तक, तो कोई गाड़ी दूर दूर तक नहीं दिख रही। देखो वहाँ पर भी देखो, खेत वेत के पास भी नहीं दिख रही कोई गाड़ी भाई। उतर के देखो क्या गाइस, बायनोकुलर लगा करके। इधर 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 ओके आ रही है स्कॉर्पियो एन आ रही है, XUV 700 आ रही है, और रोड पे तो कोई गाड़ी दिख ही नहीं रही भाई। इन्हीं दोनों गाड़ी आ रही है क्या और कोई? अच्छा वो देखो नेक्सॉन आ रही है, स्कॉर्पियो S11 आ रही है, और धीरे धीरे करके चलो गाड़ी आ रही है, हम लोग बैठते हैं चलते हैं। ओके ओके लेट्स गो, वो देखो स्कॉर्पियो एन आ रही है, वेट कर ले क्या, क्या बोलते हो गाइस? वैसे अकेले जाने में उतना मज़ा भी नहीं है यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेन में चढ़ना रहता है गाइस, जो कि मैं नहीं चढ़ाऊँ, बट कोई बात नहीं चलो चलो भगाते हैं आराम से लैंड क्रूजर। इजी भाई, पलटना नहीं है, पलटना नहीं है भाई। ओके सीधी हो जा, नहीं हो पाएगी सीधी। ओके यार नीचे स्टेप नहीं रहता है भाई लैंड क्रूजर का। अबे सीधी हो जा, रुक जा भाई। ओके रुक गई यार, इसके चक्कर में बहुत पीछे हो गया भाई मैं, कोई बात नहीं चलो निकलते हैं। वैसे भी गाइस हम लोग आराम से रेस जीत सकते थे अगर मैं पहले जाता तो, बट यार मौका देना बहुत ज़रूरी है भाई बच्चों को, क्योंकि यार इन्हें पता नहीं रियल डैडी कौन है। ओके XUV तो नीचे गिर गई भाई, सामने देख रहे हो स्कॉर्पियो है ना, पहुँचने दो उसको, फर्स्ट नहीं हम ही लोग फर्स्ट पहुँचे गए। ऑलराइट गाइस हम लोग यहाँ पे फर्स्ट हैं, सेकंड पोजीशन में स्कॉर्पियो एन आई है, एंड कोई ग्लिच लगता है मेरा वहाँ पे नाम नहीं दिखा रहा, बट थर्ड पोजीशन पे XUV, फोर्थ पोजीशन पे स्कॉर्पियो, फिर नेक्सॉन, फिर बहुत दूर दूर गाड़ी आ रही, मैंने देखा भी नहीं यार। ओके थार हो गया आई गेस, नहीं 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 इस बार इनोवा है, हमर है भाई, थार कहाँ रह गई यार, थार को पीछे ढकेल दिया क्या भाई इन लोग? ओके यहाँ पे लेजेंडर, वो देखो बलेनो भाई, थार सच में थार कहाँ गई भाई, दूर दूर तक नहीं दिख रही। ओके गया मैं, गया ट्रांसफार्मर में ठोका, बट खैर जो भी है गाइस, इधर चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो एन को, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो एन फाइनली रेस पे आ चुकी है। ओके चलो देखते हैं क्या हम लोग इसकी मदद से ये रेस को जीत पाएंगे। 3 2 1 लेट्स गो। काफ़ी ज़्यादा धूल यार, पार हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो 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 गाइस, यार अभी अच्छा अच्छा लग रहा है मेरे को यार, गाड़ियाँ ठीक से जा रही है इस बार यार, गाड़ियों को ना रास्ता याद हो गया होगा आई गैस, बट फिर भी यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ नीचे गिर चुकी है यार। यार यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मोड़ है ना भाई, एंड ना ऐसा है ना बार बार गियर चेंज करना पड़ता है भाई। आप मेरी गाड़ी पे गियर पे देखोगे, गियर अप गियर डाउन गियर अप गियर अप गियर डाउन, ऐसे ही हो रहा है बार बार यार। ओके ये देखो मोड़ मोड़ में पलटने वाला जगह है, एंड दूसरी दिक्कत भाई दूसरी गाड़ी आके ठोक ना दे यार,
ओके वैसे यार ऊपर का बहुत गंदा डैमेज हुआ है गाड़ी, बट स्टिल यार वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू विन दिस मैच. ओके वैसे भी हम लोग अभी फिफ्थ पोजीशन पे चल रहे हैं. ओके आराम से आराम से आराम से आराम से चलो भैया. सबसे आगे नेक्सॉन भाग रही है भाई, नेक्सॉन को पूरा मौका मिल चुका है आगे निकलने का, बट यार उसको पता नहीं है कि उसके पीछे ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो है. ओके चलो भगाते हैं, हम लोग फर्स्ट हो चुके हैं. ओके 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 कोई गाड़ी आ रही है क्या? अच्छा नेक्सॉन आ रही है. ओके चलो भगाते हैं. अब तो गाइस पूरा स्ट्रेट रोड है यार, यहाँ पे तो फुल स्पीड में भगाना है क्योंकि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, तो यार भगाना तो बनता है भाई. स्कॉर्पियो एन का ना मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगता है कि भाई टर्निंग, भाई कितने भी स्पीड में रहो आप ड्रिफ्ट मार सकते हो भाई. कंट्रोल ओके आउट ऑफ कंट्रोल भाई, मैं देखा नहीं रोड पे क्या चल रहा है. ओके गाड़ी बहुत ही ज़्यादा डैमेज भाई, वाइट कलर की गाड़ी है एंड कीचड़ वीचड़ तो अभी तक लगा नहीं है, बट यार एक्सीडेंट काफ़ी गंदा वाला हो गया. कोई बात नहीं, आई गेस मैं यार रोड के किनारे जो वो रहता है ना 50 किलोमीटर लेफ्ट 20 किलोमीटर लेफ्ट रहता है उससे टकरा गया था तभी गाड़ी फिका है, एंड फिर भी गाड़ी को उतना अच्छा. ओके बहुत डैमेज हुआ यार कोई बात नहीं, लेकिन स्पीड हमारी स्कॉर्पियो एम 200 के ऊपर देती है. ओके क्या लैंड क्रूशर, क्या हाल चाल ढकेल दू क्या? हट जा मेरे रास्ते से, हट जा स्कॉर्पियो लैंड क्रूशर. ओके वो तो गई. ओके नहीं 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 भाई उसने स्पीड कवर अप कर लिया. ओके ओके आराम से भाई, लैंड क्रूशर का ड्राइवर बहुत समझदार है यार, इसको पता है कब मोड़ना है कब गाड़ी को कंट्रोल करना है. ओके बट यहाँ पे तो सीधा गड्ढे में गिरता है यार वो. चलो खैर भगाते हैं यार, यहाँ से अभी हम लोग को पानी में उतरना होगा टनल पार ब्रिज पार करके. पीछे जस्ट लैंड क्रूशर है यार. ओके ये पार, बट यार यहाँ से निकलने के बाद ब्रेक लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है. चलो कोई गाड़ी नहीं आ रही क्या? अकेले जाने में मज़ा नहीं आता, कोई एक गाड़ी आ जाओ भाई, लैंड क्रूशर आ जाए यार. ओके लैंड क्रूशर आ रही है और एक होंडा सिटी आ रही है. ओके सिटी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई. चलो पानी में उतरा जाए. ओके वो तो पेड़ से टूट गई भाई. ओके होंडा सिटी एक सेडान होकर के पानी में उतरने से नहीं डर रही भाई, और बाकी गाड़ियाँ इतना पीछा आ रही है. ओके पानी से सीधा निकलते हैं. ऑलराइट भाई काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है, बट स्कॉर्पियो एन को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती भाई पानी वानी से निकलने से. ओके एंड हम लोग फर्स्ट हैं ऑब्वियसली भाई. स्कॉर्पियो एन को अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो सेकंड होने का कोई चांस बनता है क्या? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भाई. ओके यहाँ पे भी गाइस ना थोड़ा बहुत पानी आ रहा है बोल के ना. चलो गाड़ी पलट गई, लैंड क्रूशर सेकंड है, लैंड क्रूशर को हराना पड़ेगा भाई, बहुत सही परफॉर्म कर रही है. बट यहाँ से अभी ऊपर चढ़ना है जहाँ पे लैंड क्रूशर को चढ़ने में दिक्कत होती है यार, वो अच्छा मौका रहेगा लैंड क्रूशर को ओवरटेक करने का. ओके यहाँ से ऊपर जाना है भाई, लैंड क्रूशर एक बार में चढ़ गई भाई, लगता है आदत हो गया यार. चढ़ जा मेरे को मत गिरा. ओके चलो मैं तो आगे निकल रहा, ड्रिफ्ट मार के नीचे उतरे क्या? ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. एंड गाइस यार थोड़ा सा आगे और फिर मैं फर्स्ट हो जाऊंगा यार, थोड़ा सा आगे और फिर इसके बाद होंडा से भी ट्राई करेंगे, एक सेडान ट्राई करेंगे. ओके एंड भैया यहाँ पे मैं फर्स्ट हो चुका हूँ यार, काफ़ी प्यारा ड्राइव रेस था, बहुत लंबा था बट यार जो भी मज़ा आ गया भाई. अब एक सेडान ट्राई करते हैं, होंडा सिटी ट्राई करूँ सोच रहा हूँ, हाँ होंडा सिटी ट्राई करते हैं चलो, क्योंकि होंडा सिटी बहुत सही परफॉर्म कर रही है एंड सेकंड पोजीशन में देखें कौन सी गाड़ी है. तो ओके ओके यहाँ पे देख सकते हो स्कॉर्पियो दिख रही है मुझे और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ है भाई. लैंड क्रूशर फिर से नीचे कैसे आ गई भाई? कोई खींच के ढकेल के नीचे गिरा दिया क्या? ओके आराम से. ऑलराइट भाई साहब यहाँ पे अलग ही भसड़ चल रहा है, बट खैर चलते हैं सेडान को ट्राई करने. ऑल राइट गाइज यार यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं होंडा सिटी के साथ, एंड गाइज यार पहली सेडान है आज की, ठीक है, एंड पहली और आखिरी. तो गाइज यार ये आज की आखिरी ड्राइव रेस है, अगर आप मेरी आवाज़ अभी तक सुन रहे हो मतलब यार आपने लगभग आधे घंटे तक मेरी वीडियो देख ली, एंड आधे घंटे तक आप मेरी वीडियो देख लियो मतलब आप मेरे ट्रू फैन हो, एंड ट्रू फैन कभी भी वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं चाहते, तो मेक श्योर लाइक कर देना. एंड अगर आप कोई नई गाड़ी वगैरह चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में स्पैम कर देना, बट यार एक चीज़ कि सब्सक्राइब करके करना ताकि जब आप कमेंट करो तो मेरे पास वो गाड़ी का
पता चल सके कि इस बंदे ने कि भाई ये गाड़ी का डिमांड किया, एंड तब जाके मैं वो गाड़ी को अगली वीडियो में लाऊं। ओके, सिडान को तो बहुत दिक्कत हो रही है भाई गाड़ी चलाने में। यहाँ पे होंडा सिटी भाई वो वाला ड्राइवर कैसे चला रहा है, तो भाई अपने आप फिसल रही है पानी से, ब्रो चला ही नहीं रहा मैं तो। ओके, इधर से जाए क्या, शॉर्टकट। ओके, चढ़ जा, चल जा, चल जा। ओके, जा चुके हैं गाइस, शॉर्टकट का यूज़ किया जा रहा है। ओके, चलो 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 गाइस, सबसे आगे कौन सी गाड़ी है यार। थोड़ा सा ऑन रोड चलते हैं यार, थोड़ा सा ऑफ रोड चलते हैं, ठीक है। पानी आने को साइड करो। यहाँ पे सियाज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई, पहले पिछले वाले भी राउंड में भी टॉप 5 के अंडर आई थी। बट आगे कौन सी गाड़ी है यार, आगे हमर है आई गेस, क्योंकि हमर दे दी। हाँ भाई, मेरा शक सही था, हमर है आगे। ओके, बस मैं एक चीज़ दुआ कर रहा हूँ, गाड़ी डूब ना जाए यार, क्योंकि आगे जो नदी है ना भाई, स्कॉर्पियो है, इनको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। उम्मीद करता हूँ ये सेडान ना डूब जाए, बट निकालेंगे तो ज़रूर भाई, देखना तो है मुझे भी। ओके, सीधा निकालूँ क्या। ओके, निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। ओके, आराम से, नहीं चढ़ पा रही भाई, गाड़ी बंद, गाड़ी का इंजन बंद हो गया। पी पे आ चुका है गाइस यार, पार्किंग मोड में आ चुकी है गाड़ी, मतलब गाड़ी बंद हो गई है। मेरे को थोड़ा साइड करके गाड़ी को चालू करना होगा। ओके, गाड़ी चालू हो चुकी है, एंड या यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत दे रही है भाई सेडान, ठीक है। आप देख सकते हो एसयूवी और सेडान में कितना अंतर होता है, एसयूवी को चढ़ने में दिक्कत ही नहीं हुई, एंड सेडान भाई बंद हो गई यार। यहाँ पे भगाते हैं गाड़ी को, सेडान है, स्पीड अच्छा देगी ऑब्वियसली, ड्रिफ्ट। अब गाड़ी का इंजन से आवाज़ नहीं आया गाइस, क्योंकि गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया, एंड मैं इसे एक्स्ट्रा पावर दे करके चला रहा हूँ, तो गाइस यार दिक्कत तो ऑब्वियसली है। बट जो भी है, हम लोग सबसे आगे, अभी तक कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही यार, एक गाड़ी भाई हमर कम से कम आ जाए यार। ओके, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही भैया, एक राउंड लेके आया जाए नीचे से, चलो। ओके, कहाँ गई भाई गाड़ियाँ। ओके, अच्छा देख सकते हो लैंड क्रूजर आ चुकी है, हमर पीछे रह गई क्या। लैंड क्रूजर का तो अलग ही जलवा है भाई, चलो भगाते हैं। ड्रिफ्ट भाई, क्या ड्रिफ्ट मार रही यार होंडा सिटी यार। थोड़ा सा आगे और, यहाँ से तो पूरा स्ट्रेट रोड है, भागेगी गाड़ी काफ़ी अच्छा, ड्रिफ्ट कर रही है भाई गाड़ी काफ़ी गंदा वाला। ड्रिफ्ट दिखाऊंगा गाइस आपको, वो देखो, वो ड्रिफ्ट देखे गाइस, क्या क्या ही था भाई ड्रिफ्ट था। ओके, आगे भी अगर मोड आएगा तो ड्रिफ्ट दिखाता हूँ, ठीक है आप लोगों को, यहाँ पर दिखाता हूँ। होंडा सिटी में भी ड्रिफ्ट काफ़ी अच्छा होता है भाई, ये देखो ये देखो देखो भाई, आउट ऑफ कंट्रोल टकरा गया है, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। बट कोई बात नहीं गाइस, अभी और आगे जाना है, अभी तो ऊपर चढ़ना है पहाड़ हो गया यार, भगाते हैं। काफ़ी प्यारा स्पीड दे रही है भाई, कुछ बोलो, होंडा सिटी की स्पीड देख रहे हो, 260 पे जा रही है, बट ऑफ रोडिंग में यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी अपने आप। ओके, एंड हम लोग कुछ ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, गाड़ी की हालत ख़राब हो जाएगी। ओके, कोई बात नहीं, और गाड़ी आ रही है, आने दो, एक आध ऑफ रोडिंग को आने दो। आई गेस लैंड क्रूजर होगी अपने पीछे, वो देख सकते हो लैंड क्रूजर आ चुकी है, हमर भी पलट अलट रही है भाई, क्या सीन है यार, चलो भगाते हैं। ओके, लैंड क्रूजर भैया जंप, मैं तो रैंप की तरह कूदता हूँ भाई। ओके, गया डैमेज, गेट गया, नहीं नहीं गेट बंद हो गया भाई, गाड़ी का शाइन ही नहीं जा रहा ब्रो, गाड़ी में लगता है कोई ग्लिच हो गया यार, गाड़ी को डैमेज हो रहा है ना, शाइन जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, चिल लाइफ है। चलो यहाँ पे दो दो गाड़ियाँ, दोनों को ओवरटेक कर देंगे, क्या दिक्कत है, सियास का पावर देखते हैं, सेडान होकर के भाई इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। ओके यार, ड्राइवर अच्छा होना तो सेडान क्या भाई, नैनो को भी मैं जिता दूँ यार, चलो भगाते हैं यहाँ से। अब लोग जस्ट मेरे पीछे हैं, क्योंकि गाइस हम लोग को ऐसा लगता है यार सेडान में, ऐसा लगता है ना कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा, लेकिन आप स्पीड में देखोगे तो ज़्यादा स्पीड नहीं रहती है भाई गाड़ी, ये एक फैक्ट है यार। अगर आप सेडान को 200 की स्पीड में भगाओगे ना, जैसे कि होंडा सिटी या कोई भी सेडान को, मतलब कोई भी गाड़ी को, तो यार आपको ऐसा फील आएगा कि गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। बट जब आप मीटर पर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी, मतलब यार देखोगे 300 की स्पीड पर चल रही है, 200 की स्पीड पर चल रही है, आपको फील नहीं होगा यार। ओके, एंड मैं यहाँ पर पलटते पलटते जा रहा हूँ, रुक भी नहीं पा रहा हूँ। ओके, आई गेस लैंड क्रूजर ने मुझे ओवरटेक कर दिया है डेफिनेटली भाई, वैसे भी हम लोग बहुत पीछे हैं। ऑल राइट, फर्स्ट आ चुकी है लैंड क्रूजर, सेकंड पोजीशन पे स्कॉर्पियो पहुँचेगी, एंड थर्ड पोजीशन पे हम लोग पहुँचेंगे। ओके गाइज, ये वाले ड्रैग रेस पे मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। बट गाइज यार, आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, एंड अगर आप इस टाइप की और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आपको यार सिंपली क्या करना है, चैनल को
स्क्रीन में आपको दो तीन वीडियो मिल जाएगी, आप उनको देख सकते हो ठीक है, स्क्रीन पे क्लिक करके। बट खैर गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे टोयोटा सुप्रा को। ओके हाँ, तो गाइस यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर आपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसी तरह की और ड्रैग रेस वीडियो देखना चाहते हो इससे भी अच्छे अच्छे, वैसे मेरा आज थोड़ा तबीयत खराब है, बट खैर आपको और अच्छे वीडियोस देखने हैं तो स्क्रीन में आपको दो तीन वीडियो मिल जाएंगे जिन्हें आप देख करके मजे कर सकते हो। वन ऑफ दी बेस्ट वीडियोज़ है मेरी जो मैंने आप लोगों के लिए छाट करके लगाया है, तो जाके यार जरूर से देखना है, स्क्रीन में दो वीडियो है। मिलते हो अगले वीडियो पे, टिल देन बाय बाय छा छा एंड लव यू ऑल गाइस यार, सब्सक्राइब करके जाना बाय, एंड अपनी फेवरेट गाड़ी का नाम भी कमेंट सेक्शन में लिख देना ठीक है।